हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेब सीरीज फीवर की कौन एपिसोड में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं G5 ओरिजिनल की लेटेस्ट मूवी दरबान का। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस मूवी का हम रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलता है आपको इस मूवी के अंदर, क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं, सारे ग्लोरियल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिएगा आईडी पर जाकर आप मुझे इंस्टेंट फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं आप सभी को नई मूवी वेब सीरीज के डाउनलोडिंग लिंक प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी कोई नई मूवी या फिर वेब सीरीज की डाउनलोडिंग लिंक चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम और मैसेज कर सकते हैं, मैं कुछ ही देर में उस मूवी या वेब सीरीज की डाउनलोडिंग लिंक आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें इस मूवी की, दोस्तों इस मूवी को रिलीज कर दी गई है G5 पर। और दोस्तों ये बेसिकली एक इमोशनल ड्रामा जोनर की मूवी है और दोस्तों ये बेसिकली इंस्पायर्ड है रविन्द्रनाथ टैगोर के नोवेल से ये पूरी की पूरी मूवी है। बात करें इस मूवी की मेन लीड स्टार कास्ट की, तो लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे शरद हाशमी, जो कि इस मूवी के अंदर एक नौकर राय चरण का जो है कैरेक्टर प्ले किए हैं। साथ ही साथ शरद खेलकर देखने को मिलेंगे, जो कि इस मूवी के अंदर जमींदार के बेटे का जो है वो कैरेक्टर प्ले किया है, यानी कि अनुकूल का। साथ ही साथ रसिका दुग्गल देखने को मिलेंगी, जो कि अनुकूल की वाइफ का, राय चरण की वाइफ का जो है कैरेक्टर प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फ्लोरा सना आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अनुकूल की वाइफ का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखने को मिलेंगी। और इसमें हर्ष छाया, सुनीता सेन गुप्ता जैसे बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड एक्ट्रेस आपको देखने को मिलेंगे। और इस पूरी मूवी को डायरेक्ट किया है विपिन नाडकर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है योगेश बेडर ने। बात करें इसकी स्टोरी की, तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो एक नौकर राय चरण पर बेस्ड है, जहां पर कि हमें देखने को मिलता है कि जो राय चरण है वो किस तरह से एक जमींदार के बेटे यानी कि अनुकूल की कैसे बचपन में देखभाल करता है। 1970s इसकी स्टोरी दिखाई जाएगी, फिर 2000 में हमें इसकी स्टोरी ले जाएगी 2003-2004 के आसपास में, जहां पर कि फिर हमें देखने को मिलता है किस तरह से जो अनुकूल यानी कि शरद खेलकर बड़े हो जाते हैं और किस तरह से वो अपने बेटे, उनका जो बेटा होता है उसे कोई मतलब उसका ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए होता है, तो वो किस तरह से रायचरण के गांव जाते हैं और वहां से रायचरण को ढूंढ कर लाते हैं अपने घर अपने बेटे की देखभाल करने के लिए। और एक बहुत बड़ा जब ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है जब कि रायचरण जो है अनुकूल के बेटे को घुमाने ले जाता है, किस तरह से उसका बेटा खो जाता है, फिर आगे क्या कुछ होता है, यही कुछ आपको पूरी की पूरी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इस मूवी के अंदर आपको पूरा का पूरा जो है इमोशनल टच आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ सस्पेंस भी आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। ये मूवी स्ट्रीम हो चुकी है G5 पर, तो आप फटाफट से जाके G5 पर इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसी लगी नीचे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।